मैं शपथ लेता हूँ कि पिछले साल जो भी कुछ किए हैं उसको भुलाते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति पूरे जोश जुनून और ईमानदारी से करेंगे। ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे जिससे हमारे स्कूल की बेइज्जती हो या हमारे स्कूल का नाम खराब हो। मैं हमेशा स्कूल का फीस टाइम पर दूंगा। मैं ये भी शपथ लेता हूँ कि अगले तीन महीने में कम से कम तीन बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए प्रेरित करूंगा। इसके लिए हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। गुड लक। भारत माता की जय। शांति से बैठ जाओ सब, और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। बैठ जाओ। सब शांति से बैठ जाओ। मोनू तू भी बैठ जा शांति से। सर आपसे एक सजेशन चाहिए था। बोलो। इस साल कॉमर्स लूं, साइंस लूं कि आर्ट्स लूं? कुछ ना ले तू, बस मन लगा के पढ़। जो ये तेरे लेने वेने की आदत लग गई है ना, कभी किताब लूं, कभी बैग लूं, कभी कॉपी लूं, कभी पेन लूं, कभी पेंसिल लूं, कभी ये लूं, कभी वो लूं, कभी ये करूं, कभी वो करूं। पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। बोलो साइंस पढ़ूं, बोलो कॉमर्स पढ़ूं, बोलो आर्ट्स पढ़ूं, साइंस लूं, कॉमर्स लूं, ये सब नहीं, नहीं तो जिंदगी भर लेते रह जाओगे। दिमाग में ये रखो, किताबों से कुछ सीख तो लूं, कलम से कुछ लिख तो लूं, दिमाग में गोबर की जगह कुछ अच्छी बातें भर लूं। समझ गया सर जी, समझ गया। पढ़ तो हम लेंगे ही, पर पहले रिजल्ट तो हमारा आ जाए, ताकि पता लगे हमें कि हमें आगे का पढ़ना है कि पीछे का पढ़ना है। आप लोगों का रिजल्ट 5-6 दिन के अंदर आ जाएगा, इंटरनेट पर चेक कर लेना, स्कूल की वेबसाइट पे। आज मैं आप लोगों को अपने सब्जेक्ट का रिजल्ट दिखा देता हूँ और बता देता हूँ। पूरा ही रिजल्ट दिखा दो ना सर। मेरे सब्जेक्ट का पेपर चेक हो चुका है, मैं वो दिखा रहा हूँ। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे शांति से बैठे रहो। सभी लोगों को हिंदी का पेपर दे रहा हूँ, सभी लोग अपना अपना नंबर चेक कर लेंगे। अगर किसी को भी कोई दिक्कत लग रही है तो आके सही करवा ले। और ध्यान रहे, सभी लोग घर से अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर करवा के लाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है यार समोखन, मेरी दोनों आंखें फड़क रही हैं यार। कुछ नहीं होगा यार, तू टेंशन ना ले यार, मैं हूँ ना तेरे साथ। नहीं यार कुछ होने वाला है गलत मेरे साथ, कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। रास्ते में ना बिल्ली मेरा रास्ता काट गई थी, और अब देख कुत्ता जोर जोर से रो रहा है। मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है यार, मेरे दोस्त मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। बच्चों आप लोगों का हिंदी का पेपर 100 नंबर का था, देखते हैं कौन कितना नंबर लेके आया है। मैं एक एक करके सभी लोगों को बुलाता हूँ, एक एक करके सभी लोग आएंगे और अपना पेपर लेके जाके बैठेंगे शांति से। पप्पू आ जा तू। बाप रे बाप, अरे बाप, क्या करूं मैं पागल हो जाऊंगा। क्या हुआ पप्पू, फेल हो गया क्या तू? तू पागल है क्या? मेरे 40 नंबर आए हैं, 40 नंबर, 40 वाला 40 नंबर आए हैं मेरे। अब पार्टी होगी, डीजे बजेगा, ऑर्केस्ट्रा लगेगा, आज रात में पूरे मोहल्ले में लड्डू बटेगा आज। 40 नंबर कोई अच्छा नंबर नहीं है, क्यों मारा जा रहा है तू? शांति से अपनी जगह पे बैठ जा, और जितना मुझसे बच सकता है बच। पप्पू ऐसे खुश हो रहा है ना कि जैसे 99 नंबर आए हैं। 40 नंबर लाना कौन सी बड़ी बात है? अगर मैं अपनी आंखें बंद करके पेपर दूँ ना, तभी भी मेरे 40 नंबर से ज्यादा आ जाएंगे। तेरी तरह नकल मार के पेपर नहीं दिया हूँ, खुद के दम पर 40 नंबर लेकर आया हूँ। जीवन में छोटी छोटी बातों में ही खुश रहना चाहिए। ज्यादा ज्ञान न दे मुझे, अपना काम कर तू। ये ले गोलू, अपना पेपर लेके जा। गोलू कितने नंबर आए हैं तेरे? मुझे पता था इतने ही नंबर आएंगे, 45 नंबर है यार। वाह गोलू अच्छे नंबर लेकर आया है यार तू, गुड कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, तू पास हो गया है, अच्छे नंबर है तेरे, टेंशन मत ले। गोलू तेरी मम्मी आ गई यार। मम्मी यार दिखा गोलू, दिखा इधर पेपर दिखा अपना। हे भगवान ये क्या हुई, तू 45 नंबर लेके आया है पूरा पेपर मिला के? मतलब तू बहुत गंदे नंबरों से फेल है। कहाँ गया तुम्हारा प्रिंसिपल? उसको बुलाओ, हर महीने में इतना पैसे भरती हूँ और वो मेरे बच्चे को फेल कैसे कर सकता है? क्या पढ़ाया है वो मेरे बच्चे को जो ये फेल हो गया? मैं ये एग्जाम कैंसिल करवा दूंगी, दोबारा से एग्जाम होना चाहिए। आंटी जी इधर, ये केवल हिंदी का नंबर है, पूरा रिजल्ट ना 3-4 दिन के बाद आएगा। गोलू के अच्छे नंबर आए हैं, 45 नंबर के बुरे नहीं है एक तरफ से देखा जाए तो। तू चुप रहे,
बच्चे को। तुम दोनों इसे पढ़ने नहीं देते हो, कभी यहाँ चलो कभी वहाँ चलो, कभी इधर चलो कभी इधर चलो, बुलाने आ जाते हो सारा दिन। मेरे बच्चे को तो देखो कितना सूख गया है रिजल्ट की टेंशन में। गोलू बेटा तू टेंशन ना ले, तेरे जितने भी नंबर आए हैं अच्छे नंबर आए हैं। चलो ठीक है मैं चलती हूँ, जब पूरा नंबर आएगा तब मैं देखती हूँ इस प्रिंसिपल के बच्चे को। मोनू ये पकड़। ये क्या 10,000 नंबर, ऐसा कैसे हो सकता है? 100 में से 100 हो सकते हैं, 100 में से 1,000 हो सकते हैं, ये 10,000 कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? दिखा मोनू मुझे, दिखा दिखा इधर। गधे ये तेरा स्कूल फीस है और इसमें लिखा है बकाया है, जाके जमा कर सर को, 10,000 रुपए तेरा फीस बकाया है। सर ये क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ, मेरा रिजल्ट कहाँ पे है? प्रिंसिपल सर का ऑर्डर है कि जब मोनू फीस जमा करवा देगा तब उसका रिजल्ट दिया जाए उसे। मैं जानता था कुछ बुरा होने वाला है मेरे साथ, हो गया ना बुरा? अगर 1-2 दिन में फीस नहीं जमा करवाएगा ना तो इससे भी ज्यादा बुरा हो जाएगा तेरे साथ, फाइनल रिजल्ट भी नहीं मिलेगा तुझे, इसलिए 2-4 दिन में प्रिंसिपल ऑफिस में अपनी पूरी फीस जमा करवा देना। क्या यार अब 10,000 रुपए फीस कहाँ से लेके आऊँ? सर आप 150 रुपए लेके हिंदी का रिजल्ट तो दिखा दो। बकवास बंद करेगा कि क्लास के बाहर भगा दूँ तेरे को। ये ले समोखन अपना पेपर लेके जा। दोस्तों मैंने फाड़ दिया, गर्दा उड़ा दिया मैंने। दोस्तों मेरे 90 नंबर आए हैं, 90 वाला 90। गजब मेरे दोस्त तूने मेरा नाम ऊंचा कर दिया। बहुत अच्छा समोखन, बहुत अच्छा, गुड जॉब। कांग्रेचुलेशन समोखन भाई, कांग्रेचुलेशन। समोखन भाई तू जीनियस है यार, तेरे बहुत ज्यादा दिमाग है भाई, मुझे विश्वास था तेरे ऊपर। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, पर सच बोलूं तो मुझे विश्वास नहीं था कि इतने नंबर आ जाएंगे मेरे। जितने भी नंबर आए हैं आप लोगों की वजह से आए हैं मेरे नंबर, ये मेरे नंबर नहीं है, ये आप लोगों के भी नंबर है, आप सब लोगों की मेहनत का नतीजा है ये नंबर। मैं बोलता था हार जीत हमेशा लगा रहता है, लेकिन अगर हम ऐसे किसी एक की जीत होती है ना तो हिंदुस्तान के करोड़ों भेड़ बकरियों की जीत होती है। 90 नंबर ही लाया है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे तो 98 नंबर है। हमें नहीं मतलब तेरे नंबरों से, ठीक है? मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है यार इसके नंबरों से। 2 नंबर कम आए हैं, वो मेरे पेन का इंक खत्म हो गया था ना इसीलिए, वरना 100 में से 100 आते। हमने पूछा तेरे से पूछा क्यों फट्टे में टांग लड़ाने आ जाता है? मेरे दोस्त कलुआ के आए हैं 60 नंबर, पर वो 60 नंबर ज्यादा अच्छे हैं इसके 90 नंबर से, क्योंकि ईमानदारी के 60 नंबर बेईमानी के 90 नंबर से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। तू यहीं पे मार खाएगा कि स्कूल के बाहर जाके हमारी खुशियों को भंग करने आ जाता है हमेशा? ओए तुम दोनों क्यों खड़े हो, अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। राजू आ जा इधर, अपना पेपर पकड़ और पढ़ने में और थोड़ा ध्यान दे ले, फेल होते होते बचा है तू। कितने नंबर है राजू तेरे? बहुत ही ज्यादा गंदा नंबर आया है यार, मैं कहाँ चले जाऊँ, क्या करूँ, मैं कहाँ चले जाऊँ, किससे बताऊँ, मैं कहाँ जाऊँ मैं? राजू टेंशन ना ले यार, अच्छे नंबर आएंगे, जैसे आज हमारे अच्छे दिन आए हैं तेरे अच्छे नंबर आएंगे। नहीं ऐसे नहीं आएंगे अच्छे नंबर, पढ़ने में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता है, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए, बराबर मिलनी चाहिए। ज्यादा टेंशन ले रहा है राजू, कुछ गलत कदम ना उठा लेना। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, रुक रुक रुक। सर सर राजू को पकड़ो, सर राजू को पकड़ो, कुछ गलत करने जा रहा है सर, कुछ गलत करने जा रहा है राजू। चल यार समोखन हम भी चलते हैं यार राजू को देखने, यार चल चलते हैं भाई, कुछ गलत ना कर ले। चल यार जल्दी चल 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 जल्दी चल। मोनू तू और ये समोखन तू भी ले, दोनों पकड़ो जल्दी जल्दी। अबे ये डंडे हमें क्यों दे रहा है, गुल्ली डंडा खेलना चलना है क्या? नहीं मुझे सजा मिलनी चाहिए, मारो तुम दोनों मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं यार तू हमारा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं मार सकता हूँ तुझे यार। नहीं यार मुझे मारो, मेरे दोस्त मुझे मारो, मैं घर पे मार खाने वाला हूँ, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मुझे मारो। पूरी तैयारी के साथ मार खाना चाहता हूँ घर पे, फाइनल मार खाने से पहले थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मारो मुझे मारो। नहीं यार ऐसा मत बोल, हम तेरे घर चलेंगे भाई, तेरे घर वालों को समझाएंगे, टेंशन मत ले तू। मारो यार मुझे मारो, मेरे दोस्त मेरे भाई मुझे मारो, मारो मेरा सर फाड़ दो, मेरा पैर तोड़ दो, मारो मुझे मारो, मारो मुझे मारो, तुम्हें दोस्ती की कसम है, मुझे मारो मारो मुझे, मेरी मत सोचो तुम, मुझे मारो बस, मुझे मारो मारो मुझे, जल्दी से मारो मुझे मारो। ये ले और ले और ले, ये ले। इतनी देर से पूरे स्कूल में ढूंढ रहा हूँ पागलों की तरह, डर के मारे मेरी तो जान निकली जा रही है कि कहीं पे तू कुछ गलत ना कर लिया हो अपने साथ। ये ले अब होगा गलत तेरे साथ, ये ले मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, मार डालो।